हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अतुल कुमार है। एमएस ऑर्थोपेडिक्स हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ। मैं अस्पताल का ओनर हूँ जिसका नाम है अतुल चारू हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, जो कि मिल बाईपास कर्मचारी नगर बरेली में स्थित है। मैं आज बात करूँगा नी आर्थराइटिस के बारे में, ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसके ज्वाइंट जो होते हैं घुटने के जोड़, जो कि बहुत जरूरी है चलने फिरने के लिए, उसमें दर्द होता है। दर्द होता है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाते हैं और जानकारी लेते हैं भी हमें क्या हो गया, कैसे क्यों दर्द हो रहा है। तो जनरली इसका मेन कारण है एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें उम्र बढ़ती है और हमारा जोड़ जो है खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब ये पता कैसे लेगा कि हमारा जोड़ खराब हो गया है या कुछ और दिक्कत है? तो हमें सिंपल ग्रेडिंग करनी होती है कि हमारे जोड़ों की कंडीशन क्या है। उसमें जो ज्वाइंट स्पेस है, जो जोड़ दोनों हड्डियों के बीच में जो जगह है, वो कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक एक्सरे करना है। स्टैंडिंग एक्सरे हो, वेट बेयरिंग एक्सरे हो, मतलब खड़े होके वजन डाल के एक्सरे होगा, उसमें हमें पता चलेगा कि इसकी कंडीशन क्या है। उसी के हिसाब से चार ग्रेड होते हैं। चार ग्रेडों में स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले में ज्वाइंट स्पेस रिड्यूस नहीं होगा, जोड़ जो हमारा होगा सही होगा, सिर्फ हमारे हड्डी के किनारे जो है बढ़ने लगेंगे, हमारे हड्डी के किनारे बढ़ने लगेंगे और उसमें क्या होगा, हल्का सा दर्द होगा जिसको हम एक्सरसाइज से और इससे केंद्र से सही कर सकते हैं। दूसरे ग्रेड में क्या होगा कि हमारे जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, जो हड्डी के किनारे होते हैं, ज्यादा बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज्वाइंट स्पेस उसमें भी नॉर्मल रहता है, जोड़ हमारा खराब नहीं होता है। उसमें हम जो दवाइयाँ लेते हैं, ग्लूकोसामीन और ये सब टैबलेट्स आती हैं, इसको खा के हम उसको सही कर सकते हैं। तीसरा ग्रेड जिसको बोलते हैं मॉडरेट, मॉडरेट ग्रेड में क्या होता है कि ज्वाइंट स्पेस जोड़ का दोनों के बीच में जगह होगी, वो भी स्पेस कम हो जाएगा और ऑस्टियोपैड जो हड्डी की लिपिंग होती है वो भी बढ़ जाती है, तो उसमें दिक्कत ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है। उसमें हमें देखना होता है कि पेशेंट का वजन ज़्यादा तो नहीं है, उसको रिडक्शन भी करना होगा, तो उसको थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी होगी, पार्टिसिपेट एक्सरसाइज करनी होगी, दवाइयाँ भी रेगुलरली लेनी होगी और हो सकता है कभी कभी उसमें इंजेक्शन भी लगाना हो, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगा देते हैं। और चौथा आ गया ग्रेड फोर, जिसको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जॉइंट नैरोइंग हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और बिल्कुल हड्डी से हड्डी घुल गई है ऊपर से नीचे वाली और दर्द हो रहा है, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दवाइयाँ कम काम करती हैं और हमको जो है रिप्लेसमेंट की तरफ जाना होता है, जिसको बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो जोड़ बदल दिया जाएगा और दर्द आराम हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।